सपा का समीकरण बिगाड़ देगी AIMIM। अखिलेश यादव के लिए खड़ी हो गई सबसे बड़ी मुश्किल। लगता है अखिलेश यादव के सितारे अभी गर्दिश में हैं। कभी उनकी पार्टी के नेता विवादित टिप्पणी करके उनका खेल बिगाड़ देते हैं, तो कभी उनके कार्यकर्ता। जीत दर्ज करने के लिए सबको अपने खेमे में लाना बेहद जरूरी होता है और इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं। अब ऐसे में AIMIM उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी की सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद समेत 29 मुस्लिम सीटों पर अपनी ताकत झोंक सकती है। अब जबकि पार्टी की बसपा से अलायंस की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में यह संभव है कि AIMIM 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो एक और जहां बसपा के लिए फायदेमंद होगा कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ जुड़ा रहेगा, वहीं बसपा के दलित वोटों की भी मदद से AIMIM के लिए भी खाता खोलने की संभावना रहेगी। साल 2022 में AIMIM ने यूपी में तीसरा मोर्चा बनाया था। इसमें बसपा के पूर्व नेता बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकारी पार्टी और वामन मेश्राम की अगुवाई वाले भारतीय मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया था। 2022 के चुनाव में तो इस तीसरे मोर्चे ने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन 2023 में हुए निकाय चुनाव में पार्टी के 75 पार्षदों को जीत मिली। ऐसे में AIMIM उत्साहित है। उस चुनाव में AIMIM को सबसे ज्यादा वोट मेरठ में मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के हरिकांत अहुवालिया ने 2.35 लाख वोट यानी कि 41% के साथ मेयर पद जीता। वहीं AIMIM के अनस को 1.28 लाख वोट यानी कि 22.37% ही मिले। यह सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान को 13,000 वोट से अधिक मिले। वह मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी हैं। AIMIM के अनुसार उनके उम्मीदवारों ने निकाय चुनाव में 83 वार्डों में पार्षदों और सभासद के तौर पर जीत हासिल दर्ज की। निकाय चुनाव में AIMIM ने 17 मेयर सीटों में से 10 पर चुनाव लड़ा। पार्टी ने 52 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 63 नगर पंचायत अध्यक्ष और 653 वार्ड और परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मैदान में है। हालांकि अभी तक बसपा दोनों में से किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। यूपी में बीजेपी, NDA में अपना दल निषाद पार्टी और सुभाषपा है। वहीं इंडिया में फिलहाल सपा, कांग्रेस, रालोद, अपना दल, कमेरावादी महान दल है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर बसपा और AIMIM के बीच गठबंधन हुआ तो इंडिया अलायंस के लिए मुस्लिम वोट बैंक को सहेजना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इन सब अटकलों से समाजवादी पार्टी खुद को कैसे अलग करेगी ये देखना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।